सो गाइस जैसे कि देख सकते हो ये अंडे रखे पड़े हैं, और ये दो लोंडे देखो, एक इसे देखो और उसे देखो, दोनों के आग लगी पड़ी है कि हमें भी अंडा मिल जाए कुछ। तुम्हारा मैंने अलग से निकाल रखा है, टेंशन मत लो। तो ये अंडे के जो हल्का सा दूंगा इसे, देखो कैसे करती है, शट कम। इसे अंडा बहुत पसंद है, अंडा उसे भी पसंद है, लेकिन अंडे का जो येलो वाला होता है ना, वो सिम्बा को बहुत पसंद है। और शैडो को तो कुछ भी खिला दो यार, ये तो खा जाती है आराम से मज़े से, इसकी कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। अभी मिलेगा, एक चीज़ दिखाता हूँ शैडो, ये देखो, ये बिल्कुल छोटी सी चीज चोट दी है, ये बहुत तगड़े दांत घुसे हैं शैडो के माथे पे। ये ना क्या कर रही थी, ये ना क्या कहते हैं, जो सिम्बा का ये वाला पैर है, उसने इसके यहाँ पर काट लिया, इसने शैडो ने सिम्बा के यहाँ पर काट लिया। मतलब ये तो प्ले बाइटिंग करती है। अब सिम्बा का तो ये था कि उसे बहुत दर्द हुआ, क्योंकि ये वाली चीज़ जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, जो डॉग्स होते हैं या फीमेल की कुछ भी हो, ठीक है। तो भाई सिम्बा को आया गुस्सा, उस टाइम मंसूर जो मेरा भाई है वो भी वहीं पे बैठा पड़ा था। सिम्बा को आया गुस्सा, और सिम्बा इसका पूरा मुंह भरने वाला था, वो तो किस्मत से इसका बस यहीं पे दांत लगा है, अंदर तक गड़ गया सिम्बा का दांत जो इसका, ठीक है। वो तो भाई ने, मेरे बड़े वाले भाई ने इसे तुरंत दोनों को एकदम से पीछे करा, उसे भी पीछे करा, इसे भी पीछे करा, नहीं तो दिन कांड हो जाते इसके साथ। इसका पूरा मुँह, इसके पूरे मुंह के बाहर क्या बोलूँ, क्या इसे क्या कर देते इसके मुंह का। तेरे बारे में ही बात कर रहा हूँ, हूँ कर रही है। फिर मैंने हल्दी वगैरह लगाई है हाथ पे, और एक काट रही है, हल्दी वगैरह लगाई इसके मैंने, तब जाके खून वून रुका था। वो मैं आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि इस टाइम पर मैं इसका थोड़ा टेंशन में आ गया था कि उसने काट लिया, खून भी निकल रहा था, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो अब मेरे को टाइम मिला है, तो मैं अब वीडियो शूट कर रहा हूँ इसकी, आपको दिखा रहा हूँ कि इसके साथ क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल के, ओके। सो गाइस, आज तुम्हारा भाई लेके आया एक और ट्रेनिंग की वीडियो। हाँ जी, तो आपको जैसा कि पता है इसने तीन ट्रेनिंग सीख चुके हैं, ठीक है। अब तीन की जगह एक और लगा दो, चार हो गए, तो चार ट्रेनिंग हो चुके हैं। अभी तीन महीने की हुई नहीं, एक दो दिन बाकी रह गए हैं इसके, ठीक है। तो मैंने इसे चार ट्रेनिंग पूरी करवा दी, जो मैंने चाहा था वो मैंने कर लिया। मैंने सोचा था कि इसे तीन महीने में चार ट्रेनिंग देनी है, तो तुम्हारे भाई ने दे ही दी। तो अब जो इसे ट्रेनिंग दी है वो है क्या कहते हैं, स्टे की ट्रेनिंग। पहले क्या था कि देखो, ये देखो कहाँ दिख रही होगी। पहले क्या होता था कि जब हम शुरू शुरू में शैडो को लेकर आए थे ना, हम खाना वाना खाते थे, मतलब खाना वाना खा रहे तो ये मुँह सा एकदम से झपट्टा सा मार देती, तो ना एक ना गंदी आदत होती है कि बाई चांस आपके घर में मेहमान आ जाए और ये आपके घर में कोई डॉगी हो ऐसा मुंह मार, तो यार इंप्रेशन ना बहुत गलत पड़ता है। तो मैंने सोचा कि इसे ना स्टे की ट्रेनिंग देते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मात्र मैंने इसे 2 घंटे के अंदर ट्रेन कर दिया था स्टे की ट्रेनिंग से, ठीक है। 2 घंटे ट्रेन करा, 1 से 2 दिन इसे मैंने रेगुलर ट्रेनिंग दी थी। जैसे कुछ भी मैं खाना देता इसको, कोई मतलब रॉयल कैन दे रहा था कुछ भी, मतलब इसकी दिन में 3 मील होती थी, तो 3 मील में ही मैं इसे क्या कहते हैं स्टे करवाता था, फिर इसे खाने के लिए देता था। तो बिल्कुल आसान टेक्निक है, आपको जरूर मजा आएगा, एंड अपने भाई को सपोर्ट करते रहो। ऐसे ही सीरा शैडो का बोल, अभी हम इसे पनीर देंगे। पनीर कहाँ है इसका, पनीर ही नहीं मिल रहा मेरे को तो आज। ये देखो, ये दुबका पड़ा है इसका पनीर, इसके अंदर दुबका पड़ा है, ठीक है। ये ना इतना बड़े पनीर को आधा कर देंगे, ठीक है, ये आधा पनीर गया है इसका। अब आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से बस थोड़ा ना समझना आप, ठीक है। अब देखो ये शैडो कहाँ पर है, शैडो देखते हैं, शैडो अंधेरे में दिखती भी नहीं। शैडो बेटी कान तो ठीक कर लिया उन्हें, मुड़े पड़े, आजा कम, नो, देखो अब मैंने इसके हाथ में खाना है, ये कुछ ऐसे हरकतें करेगी। देखो सिंपल ट्रिक है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा आपको। सबसे पहले तो अपने डॉग को ना नो सिखाना होगा, नो का मतलब नहीं, ये चीज़ करनी नहीं है, उसे पता चल जाएगा ये चीज़ करनी नहीं है, ठीक है। पहले तो नो करवाना है, फिर अपने डॉग को सिट की ट्रेनिंग देनी है, जो मैं इसे पहले से सिखा चुका हूँ। अब मैं इसे खाना देता हूँ, ठीक है। ये देखो मेरे पास आती है, मैं नीचे खाना रखता हूँ ना, तुरंत मेरे पास आती है, जैसी ये अगर उठती है तो नो बोल दो। अभी देखना दोबारा, शैडो सिट नहीं हो रही अभी, एक्साइटमेंट में सिट ही नहीं हो रही अभी। शैडो सिट बेटा, अब देखो नो, अब मैंने इसे मना कर दिया, अब मैं खाना रखूँगा,
ठीक है। नौ, ये देखो खाना रख रखा है मैंने, ठीक है। अब देखो स्टे 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 स्टे, नौ स्टे स्टे, धीरे धीरे आप भी पीछे जाते रहना, ठीक है। और ये रखा खाना, और दिखाता हूँ अभी मैं इसके और पास रख देता, नो 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 नो, ठीक है। शैडो कम कम बेटा, कम बेटा, सिट सिट सिट। आपको सबसे बेस्ट है, आपको नो की ट्रेनिंग तो जरूर सिखानी पड़ेगी। अगर आप अपने डॉग को नो की ट्रेनिंग ही सिखा पाएंगे तो फिर ये टेक्निक काम नहीं आएगी, ठीक है। मैं इसके मुंह के पास रखूँ, शैडो नो, देखो ये देखो मुंह के पास, नो सिट 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 बेटा, गुड गर्ल, नो नो स्टे सिट, नो सिट स्टे स्टे, नो 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 सिट स्टे 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 स्टे। अब ये मेरी मौजूदगी में ना खाना नहीं खाएगी जब तक मैं कहूँगा नहीं इसे, स्टे नो, ठीक है। अबे कहाँ चली गई, तो दिख नहीं रही, तो ये देख सकते हो। अब ये मेरी मौजूदगी के बिना खाना खा नहीं सकती, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करता हूँ, ये देखो ये ना मेरे को ही देखे जा रही है, ये मेरी आँखों में घूर घूर के देख रही है कब मैं इसे सारा करूँ, और ये तुरंत अपनी क्या कहते हैं खाने पर चढ़ जा रहा हूँ। शैडो नो स्टे, गुड गर्ल, यू आर अ गुड गर्ल, यू आर नॉट अ गुड, यू आर नॉट अ बैड बॉय, सॉरी बैड गर्ल, ओके। अब देखो, अब मैं इसे खाने के लिए बोलूँ तुरंत, शैडो ईट 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 गुड गर्ल, मात्र मेरे को ईट बोलते ही, ईट बोलते ही, रुक जा बेटा रुक जा, मात्र ईट बोलते ही अपने खाने में टूट पड़ी, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसमें पीस दे दूँगा, ठीक है, ले ले गुड गर्ल। और ये हो गया इसका सवासी का रिवॉर्ड, सवासी अपने जरूर डॉग को जरूर दे करो यार। जी जी सैडो कम बेटा कम, सिट सिट सिट, अब सीखी ना। अब देखो मेरे हाथ में पनी है, सैडो नो स्टे नो स्टे स्टे नो स्टे नो, अभी बंदी आ नहीं सकती थी, मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ, स्टे नो। अब जैसे मैं इसे खाने को बोलूँ, ईट ईट ईट, आप बताओ बिल्कुल आसान ट्रेनिंग है कि नहीं भाई। मैं तो अपना दिमाग लड़ा रह दिमाग लड़ाता रहता हूँ कि इसे सिंपल तरीके से कैसे सिखाऊँ मैं, क्योंकि सिंपल तरीका जितना होगा ना आपको ना डॉग की ना भाषा समझ नहीं पड़ेगी, यूँ नहीं कि भाई कि वो कर नहीं रही, मज़ा नहीं आ रहा, मैं ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा, कभी ऐसा मत सोचना। आपको ना उसकी भाषा समझ नहीं पड़ेगी, जब तक आप डॉग की भाषा नहीं समझोगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। उसके ना मन दिल के मन की बात समझे करो, सबसे मेन है ना मन की बात, और मन की बात करते करते सुसु कर दिया इनने, ये हमारी मन की बात में, ठीक है। कर दे बेटा कर दे, ये ये यही तो है, ये घर हमने इसलिए तो रख रखा है ताकि तू मुझ सके, सिट गुड गर्ल, स्टे नो स्टे नो स्टे स्टे। अब देखो मैं दूर जा रहा हूँ इतना, स्टे नो, ठीक है। ये आपको दिख रही होगी, जब तक मैं कहूँगा नहीं ये खाएगी नहीं, बेटे बच्चे, ठीक है। और ये मैं अब अंदर जाऊँगा, देखना मैं अंदर चला गया, देखो तुम्हारा भाई यहाँ पर है, और ये मैंने इतनी दूर बैठी पड़ी है, उसका बोल इसका ना ना ना, सिट 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 स्टे नो। बाई चांस अगर आपका डॉग उठ जाता है तो बिल्कुल मतलब डर मतलब उसे समझा देना कि नहीं अभी नहीं खाना, जब तक मैं ना हूँ मेरी मौजूदगी के बिना खाना नहीं है, तो उसे समझा देना, वो धीरे धीरे समझेगा समझेगा। मात्र ये दो घंटे में सीखिए, उसके दो दिन बाद मैंने इसे दोबारा ट्रेनिंग दी है, ये वाली स्टे की और नो की और ईट की, तो पूरा समझ चुकी है। शैडो ईट 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 ईट, तो यही थी ट्रेनिंग बिल्कुल आसान तरीके से। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि मैं ऐसी सिंपल ट्रिक लाता रहूँगा, मैं ऐसी ट्रिक बताता हूँ जो यूट्यूब पे कभी नहीं बताया जाता, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है ये, मैं अपने दिमाग से लड़ाता हूँ, दिमाग मैं कम से कम दौड़ाता रहता हूँ, नाना करते एक दो घंटे मैं सोचता हूँ यार कैसी ट्रेनिंग हो, बिल्कुल आसान तरीका हो और ये जल्दी सीख जाए, और मेरे को ऐसा नहीं, मेरे से मैं तो मेरे को ना थोड़ा आलका सा आता है कि मतलब दो दिन तक कुत्ते मतलब अपने कुत्ते के पीछे लगे पड़ो, ट्रेनिंग दे रहे हो ट्रेनिंग दे रहे, और तब भी नहीं सीख रहा, ठीक है। ये मेरे साथ सिम्बा सिम्बा के साथ में, सिम्बा को मैं जब ट्रेनिंग देखता था तो थोड़ी मुश्किलें मेरे को भी आई थी, ये बोलते हैं ना जैसे आप, मैंने
कुछ सीखा है अपनी लाइफ से। सिम्बा को ट्रेनिंग देते देते मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, उसकी लैंग्वेज भी सीखी है। ऐसे मैं शैडो पे ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। एंड से टू गुड बाय मैन।